नमस्कार बहनों, आइए आज हम आज चलते हैं बाजरे की कड़ी बनाने के लिए। आपने बेसन की कड़ी तो बहुत खाई होगी, फिर बाजरे की कड़ी कभी नहीं खाई होगी। ये सर्दियों में बहुत ठंड से बचाती है, इसलिए हम इसे बाजरे की कड़ी ठंड में बनाते हैं और ठंड में ही खाई जाती है। हम आटा लेके छान रहे हैं इस समय। ये आटा हमारा छन चुका है, बाजरे का प्योर आटा है। ये हमारे इसमें लहसुन की कलियां अधिक चटनी डाली जाती है, प्याज भी डाला जाता है और हल्दी, एक चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच मिर्ची ली है, ये हरी मिर्च कटी हुई है, ये हींग है। अब हमने गैस जला रखी है, ये कढ़ाई में हमारा तेल तैयार हो रहा है। आटा तैयार करते हैं, इसमें हमने लस्सी डाली है, आप चाहे तो दही की भी बना सकते हैं। इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह से हम धीरे धीरे मलते हैं, थोड़ा थोड़ा लस्सी डाल के। हमारा परिवार बड़ा, इसलिए हम ज्यादा बना रहे हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे तैयार करना चाहिए। लस्सी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए जिससे खटास आ जाए। बढ़िया, देखिए तेल हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम पहले मेथी डालते हैं, मेथी डाल होने तक भूनेंगे। देखिए मेथी ब्राउन हो चुकी है, अब हींग डालते हैं। हींग के बाद में ये हमारा सारा मसाला तैयार है, लहसुन प्याज धनिया मिर्च हल्दी, ये सारा मसाला इसमें भूनते हैं सब्जी के साथ। लेकिन मसाला हमारा तैयार हो चुका है, भुनकर तेल छोड़ दिया मसाले में। अब हम इसमें घुला हुआ बाजरे का आटा लस्सी में तैयार करा हुआ डालते हैं। थोड़ा पानी डालते हैं, देखिए अब हमारा ये तैयार हो चुका है, हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इसके बाद में से हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारी लस्सी पड़ने नहीं पाए। जब तक पीछे क्वालिटी नहीं है तब तक इसे ऐसी तरह से चलाते रहेंगे।
ये कड़ी में थोड़ी सी गाढ़ी मान पड़ रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। जब ये पककर तैयार हो जाए तो आप चाहे तो चम्मच से केवल खा भी सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, गर्म भी होती है, ठंड नहीं लगती है इसके खाने से। एक तरह से ये जाड़ों की सर्दी जुकाम की दवाई बनती है। आप भी एक बार इसे बना कर खा के देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये कड़ी। हमारे घर तो जब ठंड आती है तो जाड़ों में कम से कम 3-4 बार बन जाती है। तब हम उसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डालते हैं तैयार करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्च या लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी खाना हो मिर्च मसाला। इसमें बाद इसमें धनिया पड़ेगा हरा, नमक भी डालते हैं उबाल आने के बाद, जिससे हमारा लस्सी का जो है लस्सी फटने नहीं पाए। हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करते हैं, पर हम पहले नमक डाल देते हैं तो लस्सी हमारी फटने का रहता है, लस्सी फट जाएगी। एक चम्मच और नमक, जैसा खाना हो वैसा जान डालना चाहिए। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया इसका, एकदम पीला पीला। लोग कहते हैं बाजरे की कड़ी काली होती होगी, हम कहते हैं बाजरे की काली नहीं, पीली ही होती है जैसे की तरह। तो इसमें थोड़ा धनिया ऐड करते हैं, हरे धनिया से इसकी खुशबू, इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। देखिए अब तैयार हो गई है।